बड़ा अजीब लग रहा है ना प्रियांशु देखने में। हाँ खा ले भाई, खा ले तू भी खा ले प्रियांशु। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल सुबह, और इतना ज्यादा कुहासा ना पीछे देख सकते हो, कुहासा ही कुहासा दिख रहा होगा चारों तरफ, लेकिन मोबाइल में उतना पता नहीं चलता, आँख से जो दिखता है ना वो मोबाइल में उतना अच्छा से नहीं दिखता, चारों तरफ कुहासे कुहासा, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। खैर फटाफट जाते हैं, लच्छा पराठा लेते हैं, मतलब लच्छा पाव रोटी लेते हैं। पहले लच्छा पाव रोटी मुंह में बैठा हुआ था, अभी फिलहाल देख रहे हैं लच्छा पराठा मुंह में बैठा हुआ है मेरा, वो लेते हैं, खाते हैं, खाते खाते स्कूल जाते हैं। अभी 15 मिनट बाकी है अभी स्कूल स्टार्ट होने में, तो फटाफट जाना पड़ेगा, दौड़ के अब जाना पड़ेगा। बड़ा अजीब लग रहा है ना प्रियांशु देखने में। हाँ खा ले भाई, खा ले तू भी खा ले प्रियांशु। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, ये हम लोग का एसएफपीडब्ल्यू का प्रोजेक्ट था, मतलब ऐसे भी कल रिपब्लिक डे है, मतलब अभी बोल देते हैं हैप्पी रिपब्लिक डे एडवांस में। आइए हमने सबके मिल के बनाया है, बहुत ज्यादा मेहनत लगा, पूरा 2 पीरियड इसी में व्यर्थ हो गया, लिटरेचर का पीरियड पूरा बंक मारे यही बनाने के चक्कर में। अब फटाफट इसको बोर्ड में लगाते हैं, उसके बाद घर निकलेंगे, ऐसे भी छुट्टी हो चुका है। ये वाला भी हम ही लोग डिजाइन किए थे, कितना मेहनत लगा था, आज भी याद है बेचारा। ब्लॉग बनाने के चक्कर में लाइट ऑन के रखा। खैर फटाफट घर निकलते हैं, घर में आप लोग से मिलेंगे या तो रास्ता में मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तब। उसको बोला इधर देख भाई। गाइज हम जैसे स्कूल से गए वैसे अपना लंच कंप्लीट किए, उसके बाद फिर अभी मम्मी के साथ हम जा रहे हैं दमदम में, मम्मी को दिखाना हमको डॉक्टर के पास, उसके बाद फटाफट आना है, आके फिर हमको बहुत कुछ कंप्लीट करना है, क्योंकि हम मेरी जो केमिस्ट्री मैम है वो बहुत कुछ हमको इम्पोर्टेंट्स बताई है कि ये आर बुक में भी मार्क कर दिया, बोले कि ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो सब भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा है, और लैब मैनुअल भी कंप्लीट करना है। गाइज हम लोग मेट्रो से उतर चुके हैं, चेकअप कंप्लीट हो गया, अब जा रहे हैं शाम बाजार दवाई वगैरह लेने के लिए, उसके बाद फिर जाएंगे अभिराज के पास, अभिराज को लेंगे और उसके बाद घर लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले उसको कुछ खिला देंगे। मम्मी बोल रही थी बेचारा को घुमाते फिराते नहीं, कहीं डिप्रेशन में ना चल जाए, आई नो डिप्रेशन है लेकिन फिर भी डिप्रेशन में ना चल जाए, इसीलिए अभिराज को थोड़ा घुमाएंगे फिराएंगे खिलाएंगे पियाएंगे अपना भाषा में और मौज करेंगे। सब कुछ लेना हो चुका है, पापा भी आ चुके हैं, अभिराज को वो ले रहे हैं वहाँ पे चौर्णिका मैम का कोचिंग के पास, हम तब तक फटाफट मतलब वहाँ तक पहुँच जाए हम और मम्मी, उसके बाद मम्मी और अभिराज और पापा स्कूटी में चल जाएंगे, हम पैदल गरीब इंसान पैदल ही आएगा और क्या। गाइज बहुत बड़ा पोपट हो गया, हम लोग चौर्णिका मैम का कोचिंग के पास आके खड़ा थे, अब पापा अभिराज को लेकर महिंद्रा कॉलेज फिर चल गए, क्योंकि पापा का हम लोग पहले महिंद्रा कॉलेज बुलाए हैं, तो पापा सोचे कि हम लोग महिंद्रा कॉलेज के पास वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग फिर से सूर्जो काकू यूमिन अभिराज का स्कूल जा रहे हैं, उस तरफ वाला रोड के उस तरफ वाला, तो रोड पार कर चुके हैं और वहीं पर खड़ा रहेंगे तब वो लोग आएगा। बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रहा है, ऐसे भी हमको पैदल आना। हाँ ये बात सही है, हम एक काम करेंगे पैदल निकल जाएंगे, मम्मी तो वहीं वेट करना, हम पैदल निकल जाएंगे सबसे मस्त, नहीं पापा का वेट करेंगे, बैठा ले उसके बाद हम पैदल निकल जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं दो प्राणी, आप लोग को बोले उधर रहने तो उधर चल गए थे। वाह अभिराज यहाँ फिर हेरा फेरी नहीं चल रहा राजू बन के, हम अपना पैदल निकल गए हैं, वो लोग आस्ते आस्ते आ रहे हैं, अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है गाड़ी और हम पैदल निकल चुके हैं। ये पापा को बोले थे जिस समय स्कूटी ले रहे थे उस समय बोले थे पापा बगमैन लीजिए, बगमैन थोड़ा सा बड़ा है, आराम से हम लोग चारों अट जाएंगे। नहीं मम्मी के लिए है स्कूटी, ठीक है तीन जन अटने लायक ठीक है, हमारे तो कितना बढ़िया बगमैन लेने, बगमैन थोड़ा बड़ा है माइलेज भी देगा अच्छा, नहीं यही लो डियो लो हो गया, अभी देखो पैदल जाना पड़ा, खैर सह लेंगे। वो लोग आ रहा हम लाइट ऑफ कर देते हैं, जाइए जाइए जाइए
जाइए सर, बाय। हम और अभिराज जा रहे हैं थोड़ा सा फूड फेस्टिवल में, जो हम लोग का ही ग्राउंड में हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं कैसा कैसा फूड है। अभिराज बोल रहा सस्ता मिल रहा है, तो देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिले तो खा भी लेंगे, नहीं तो सिर्फ ब्लॉग बना के आ जाएंगे मम्मी के साथ, कल जाएंगे घूमेंगे खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे। वेल गाइस, आगे थोड़ा सा भीड़ भड़क का दिख रहा है और साइड में बड़ा अच्छा लाइटनिंग वाइटनिंग है, थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं, दुर्गा पूजा वाला फीलिंग तो नहीं है। गाइस पोपट हो गया, 20 रुपया एंट्री टिकट है, एक ठेला पैसा नहीं हम लोग के पास, खाली बाहर से आप आवाज़ सुन लीजिए हम लोग फिर निकलते हैं। आज बहुत अच्छा वाला पोपट हुआ है, बेइज्जती फील हो रहा है हमको। तो गाइस ज़्यादा अपना बेइज्जती ना करवाते हुए फटाफट आ गए, थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम हम ऐसे देखे, वैसे नहीं देखे थे पहले कि 20 रुपये दे के अंदर जाए। आई नो 20 रुपये ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, लेकिन अभी फालतू का 20 रुपये देंगे, 20-20-40, उसके बाद फिर कल हम मम्मी अभिराज फिर जाएंगे और पापा भी साथ में, 20-20-80 और अभी 40, 120 रुपये ऐसे ही चला गया। अंदर में हम लोग 60 रुपये, मतलब कल ही एक ही बार जब जाके अंदर खाएंगे पियेंगे सब वीडियो बनाएंगे। अभी खाली ले लिए हम लोग, पकौड़ी ले लिए हम मम्मी के लिए, भैया को थोड़ा तबियत। अच्छा मम्मी बोलेगी, बोलो बोल। तो अच्छा ठीक है ठीक है, फिर से आज पहली बार बोल रहे इसीलिए। तो गाइस आज राज का तबियत खराब है, इसीलिए आज रात का एंड हम करेंगे। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय 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 बाय। ऐसे बोलता है। तो गाइज पता नहीं जब से मतलब हम लोग आए हैं ना उधर से मेला के तरफ से घूम के और हम लोग का पोपट बना है, तब से भैया का गला दर्द हो रहा है और बुखार आ गया है। और मम्मी इसका हेयर स्टाइल के साथ देखिए क्या की है, दिखाओ हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल दिखाओ, चुरखी चुरखी। कैसा लग रहा है भैया? गोलू चंद। थोड़ा इधर भी बताओ। तो गाइज वहाँ पे वो वाला ये में दूध रखा हुआ है और अभी रात का 12 बज रहा है और इसको ओरियो खाएगा दूध में चुभो चुभो के। अरे आराम से। तो गाइज तो अभी एंड कर दें, अभी एंड कर दें, पसंद आए तो लाइक कीजिए। हाँ तो हम ही करते हैं। तो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।